इंसान एंड द एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साड़ी अज की वीडियो लर्न जर्मन थ्रू पंजाबी सीरीज की 11वीं वीडियो है। साड़ी अज की वीडियो में असी फॉरस्टेलन सीखांगे। फॉरस्टेलन मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करना। फॉरस्टेलनजिश मीन्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। चलो शुरू करते हैं। तुसी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ वर्ड्स लिखे आ। नाम नेम नु कहंदे आ, नाम नु कहंदे आ। नाम आल्टर उमर नु कहंदे आ। लैंड कंट्री नु कहंदे आ, देश नु। वो नॉट रिहायश नु। स्प्राखन लैंग्वेजेस बोलियां जिहड़ियां असीं बोलते हैं। बेरुफ पेशा। हॉबी शौक। सो गिनती दे तुहाडे कोल हैगे आ 7 वर्ड्स। सो इन्हां 7 वर्ड्स बारे तुसीं आप इन्हां 7 वर्ड्स नूं यूज़ करते हुए, क्योंकि ये पेज तुहानूं एग्जाम विच भी मिलेगा जिहदे ते आह वर्ड्स लिखे हो गए, हाँ पर पंजाबी नहीं लिखी होएगी, तुसीं ये वर्ड्स नूं देख के अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, अपने बारे ये गल्लां दसनी है, मतलब अपना नाम, एज, कंट्री, अपनी रिहायश, अपनी लैंग्वेजिस, अपना पेशा ते अपनी हॉबी, ये सब चीज़ां तुसीं पेपर च दसनी है। जो सीक्वेंस पेपर च दिता गया होएगा, जो तुहाडे पेज ते होएगा, तुसी ओही सीक्वेंस रखना है, तुसी अगे पिछे लाइन्स नहीं करनी। चलो हुण मैं तुहानू स्टार्ट करवा रही हाँ फॉरस्टेलन। आपां शुरू करदे हां। फस्ट नाम, इहनूं आपां कहांगे, अगर आपां अपने नाम बारे दसना है, आपां कहांगे माइन नाम इज डैश, जो भी तुहाडा नाम है। फॉर एग्जाम्पल माइन नाम इज रुपिंदर, माय नाम इज द काजल, जिहदा जो नाम है अपना नाम दसेगा। तुसी ये भी कह सकते हो इशबिन, ठीक है, इशबिन रुपिंदा, इशबिन काजल, जो भी नाम होए किसी का। फिर इश हाइस भी यूज़ कर सकते हैं, इहदा मतलब मैनू बुलाया जाता है। इश हाइस काजल, इश हाइस राम, कोई भी जिहदा नाम है वही कहेगा। माय नाम इज डैश, ठीक है, अपना नाम दसना डैश की जगह पर, या तुसी बोल सकते हो इश बिन डैश, या तुसी बोल सकते हो इश हाइस डैश। सेकंड अल्टर, ये बहुत सिंपल है, तुसी कहना है अपनी एज दसनी है, जिदा इश बिन 26 यारा आल्ट, ठीक है, अपनी एज जितर से जिन्ने भी साल दे हो, ठीक है। मैं एग्जांपल दिता कि आई एम 26 ईयर ओल्ड, मतलब मैं 26 साल दी हाँ, तो मैं कहूँगी इश बिन 26 यारा आल्ट। तुसी जिन्ने भी साल होते हो, तुसी ब्लैंक विच ओ नंबर भरना है, ओ ही उम्र दसनी है। तीसरा इश कॉम आउस इंडियन, इश कॉम आउस इंडियन, मैं इंडिया तो आनी हाँ, इश कॉम आउस इंडियन। फिर आप दसना सी कितने रेंदे हैं, वो नोट इश वोने इन यालांडा, मैं जलंधर रहनी हाँ, इश वोने इन यालांडा, इश वोन इन यालांडा। फिर असी दसना असी किड़ियां लैंग्वेजेस बोलते हैं। स्प्राखन मतलब लैंग्वेजेस। सो अगर मैं कहना है मेरी मदर लैंग्वेज, मतलब मेरी माँ बोली पंजाबी है, सो मैं बोलूँगी माइन मूटू स्प्राख इज पंजाबी, माइन मूटू स्प्राख इज पंजाबी। आव इश प्रशे हिंदी इंग्लिश ऊंड आइन वीनिश डॉच, मतलब मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी है पर मैं हिंदी इंग्लिश और थोड़ी जी जर्मन बोलती हूँ। माइन मूटू स्प्राख इज पंजाबी, आवर इश प्रशे हिंदी इंग्लिश ऊंड आइन वीनिश डॉच। थोड़ा स्लो बोल रही हूँ मैं। माइन मूटू स्प्राख इज पंजाबी, आवर इश प्रशे हिंदी पंजाबी और हिंदी इंग्लिश ऊंड आइन वीनिश डॉच। ओडर, तुसी इस तो इलावा ओडर आप कह दें ओर नू, जो आप ऑप्शन देना हो ना, इस तो इलावा तुसी आ भी कह सकते हो इश प्रेश हिंदी पंजाबी ऊंड आइन वीनिश डॉच, मैं हिंदी पंजाबी तो थोड़ी जी जर्मन बोलती हूँ, इश प्रेश हिंदी पंजाबी ऊंड आइन वीनिश डॉच। इस तो बाद असी दसना है अपना बेरुफ, असी की करते हैं। सो जो ताडे विचों हाउस वाइफ सा कहोगिया इश बिन हाउस फ्राउ, और जो स्टूडेंट आप कहोगे इश बिन स्टूडेंट, अगर फीमेल आ तो कहोगे इश बिन स्टूडेंटन। एक बार फिर कर रहे हैं आप,
हाउसवाइफ्स कहोगे इश बिन हाउसफ्राउ, तो ये भी कह सकते हो इश बिन हाउसफ्राउ फॉन बेरूफ, वो भी ठीक है, इश बिन हाउसफ्राउ फॉन बेरूफ, या इश बिन स्टूडेंट फॉन बेरूफ, इश बिन स्टूडेंटिन फॉन बेरूफ, या सिंपल भी बोल सकते हो इश बिन स्टूडेंट इश बिन स्टूडेंटिन। नेक्स्ट आप आ रहे हैं हॉबी, आप भी बहुत सिंपल है, हॉबीज बहुत हो सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर आप जस्ट एग्जाम्पल वास्ते तुम दो तीन हॉबीज दस रहे हैं। माइन हॉबी इज म्यूजिक हुरन, मेरी हॉबी म्यूजिक सुनना है, माइन हॉबी इज म्यूजिक हुरन, या माइन हॉबीज जिंड म्यूजिक हुरन ओन फैंसी हैं। उन दोनों से फर्क की सीगा, एक मैं इक्को ही हॉबी दसी इसलिए मैं इस्ट यूज किया, दूसरी मैं दूसरे एग्जाम्पल च मैं ज़्यादा हॉबीज दसी हैं इसलिए मैं जिंट यूज किया, सो माइन हॉबीज जिंट म्यूजिक हुरन ओन फैंसी हैं। तुसी ये भी कह सकते हो हॉबीज वास्ते इश कुक अगैन, मैनू कुकिंग करना पसंद है, इश कुक अगैन, इश के ही गैन इन स्कीनो, मैनू सिनेमा जाना पसंद है। हॉबीज तुसी कुछ भी दस सकते हो, ताड़ा जो भी तुहानू पसंद है उहदी वैरायटी बहुत है। सो साडी अज दी वीडियो इत्थे खत्म हुंदी है, फर्स्ट टैलन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तुसी आराम नाल इस टाइल विचो इस पार्ट एग्जाम दे इस पार्ट विचो पूरे पूरे नंबर ले सकते हो, बस अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखो, और आ वाला टेस्ट तुहाडे वास्ते बहुत ही सिंपल हो सकता है। सो अज दी वीडियो इत्थे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विच।